की तरह काम करती है, जहां चाइल्ड बर्थ के दौरान माँ और बच्चे के लिए किसी भी तरह का रिस्क इन्वॉल्व हो, और इस सर्जरी के बाद मदर की रिकवरी में कंपैरेटिवली ज्यादा समय लगता है, क्योंकि एक सी सेक्शन में एब्डोमिनल वॉल को कट करते हुए बेबी को बाहर निकाला जाता है, इसलिए माँ को पोस्ट डिलीवरी एक होलिस्टिक केयर की जरूरत पड़ती है। ऐसे में अपनी गायनेकोलॉजिस्ट की सलाह से कुछ स्पेसिफिक पोस्ट डिलीवरी एक्सरसाइजेस करने पर आप अपनी रिकवरी को स्पीड अप कर सकती हैं। इस वीडियो में बात करेंगे कुछ ऐसी ही एक्सरसाइजेस के बारे में जिन्हें आप सी सेक्शन के बाद जेंटली परफॉर्म कर सकती हैं। इन्हें करने के लिए आपको किसी भी इक्विपमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है और आप इन्हें कहीं पर भी प्रैक्टिस कर सकती हैं। बेली ब्रीदिंग, ये एक फंक्शनल रिलैक्सेशन टेक्निक है जिससे आपकी कोर मसल्स रिट्रेन होती है। इस एक्सरसाइज में मेनली ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल्स वर्कआउट किया जाता है। इसके लिए सबसे पहले किसी बेड या कंफर्टेबल काउच पर लेट जाएं। अब हाथों को बेली बटन पर प्लेस करते हुए अपनी बॉडी को रिलैक्स कराएं। डीप ब्रीथ लेते हुए अपने एब्डोमिनल रीजन को एक्सपैंड होता हुआ फील करें और इसे 3 सेकंड के लिए होल्ड करें। अब ब्रीथ आउट करें। ब्रीदिंग इन नाक से और ब्रीथ आउट मुंह से करें। एक्सहेल करते हुए अपने बेली बटन को स्पाइन की तरफ इनवर्ड पुल करें, जिससे आपके एब्डोमिनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे। ये एक्सरसाइज दिन में 3 बार 5 to 10 times की जा सकती है। सीटेड किगल्स, हमारे एब्डोमिनल मसल्स को पेल्विक फ्लोर से कनेक्ट कराने का काम फेशिया नाम के कनेक्टिव टिश्यूज करते हैं, और किगल्स पेल्विक फ्लोर को एक्टिवेट और स्ट्रेंथन करने के लिए एक एक्सीलेंट एक्सरसाइज है। इसके लिए चेयर के एज पर इस तरह बैठे कि आपके फीट फ्लोर को टच करें। अब अपने पेल्विक फ्लोर की मसल्स को इस तरह खींचे जैसे आप यूरिन को रोकने की कोशिश में करते हैं। इमेजिन करें कि आप वजाइना, एनस, यूरेथ्रा की सभी ओपनिंग्स को क्लोज करते हुए उन्हें ऊपर की तरफ लिफ्ट कर रहे हैं। इस कॉन्ट्रैक्शन को 5 सेकंड्स के लिए होल्ड करें। अब एक डीप ब्रीथ लें और फिर ब्रीथ आउट करते हुए अपने शरीर को ढीला छोड़ दें। कीगल एक्सरसाइज को बैठ के और खड़े होके दोनों ही पोजीशन में किया जा सकता है। दिन में 2 बार 8 to 12 times प्रैक्टिस करें। वॉल सेट, ये एक फुल बॉडी आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज है जो आपकी बॉडी की सभी मसल्स को एक साथ एक्टिवेट करती है। इसमें क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग्स, पेल्विक फ्लोर मसल्स, कोर और लोअर बैक मसल्स को ट्रेन किया जाता है। इसके लिए वॉल से 1 से 2 feet की डिस्टेंस पर अपने पैरों को प्लेस करते हुए खड़े हो जाएं। स्लोली वॉल की तरफ अपनी बैक को झुकाते हुए एक सिटिंग पोजीशन में आ जाएं, जिसमें कि आपके हिप्स और नीज 90 डिग्रीज के एंगल पर हो। अपने कोर को एंगेज करें। अब डीपली इनहेल करें और फिर एक्सहेल करते हुए अपने बेली बटन को वॉल की तरफ पुल होते हुए इमेजिन करें। जितना हो सके उतनी देर तक होल्ड करें। अब 1 मिनट का रेस्ट लें और फिर से रिपीट करें। इस एक्सरसाइज को एक बार में 5 times रिपीट किया जा सकता है। सिजेरियन डिलीवरी स्कार मसाज, सिजेरियन डिलीवरी का कट हील होते ही स्किन की डिफरेंट लेयर्स और फेशिया साथ में रिपेयर होने लगती है। इस दौरान माँ के मूव करने की रेंज लिमिटेड हो जाती है, क्योंकि खिंचाव पड़ने पर उसे पेन होता है। साथ ही इससे फ्यूचर कॉम्प्लिकेशंस जैसे कि यूरिनरी डिसऑर्डर या फिर बैक और हिप पेन भी हो सकता है। स्कार टिश्यू मसाज से टिश्यू हीलिंग में हेल्प मिलती है और साथ ही इससे मोशन रीगेन करने में भी मदद मिलती है। स्कार मसाज को सिजेरियन कट हील होने के बाद ही शुरू करना चाहिए और इसके लिए डॉक्टर से कंसल्ट करना भी बहुत जरूरी है। मसाज जेंटली स्टार्ट करते हुए स्लो पेस में बढ़नी चाहिए और एग्रेसिवली बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। स्कार के आसपास की स्किन में स्लो मूवमेंट्स करने चाहिए, जिससे काफी फायदा मिलता है। इसके अलावा साइड्स पर अप एंड डाउन और सर्कुलर मूवमेंट्स में मसाज करनी चाहिए। पेन होने पर मसाज ना करें और थोड़ा रुक कर दोबारा ट्राई करें। अगर कंफर्टेबल फील होने लगे तो फिर दिन में 1 बार करना जरूर शुरू करें। लेग साइड्स, डिलीवरी के 6 to 8 week तक एक्सरसाइज करनी शुरू नहीं करनी चाहिए। 8 week के बाद डॉक्टर की सलाह से आप एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं। शुरुआत के लिए लो इम्पैक्ट एक्सरसाइजेस जैसे कि योगा, पिलाटेस या स्विमिंग सेफ ऑप्शन माने जाते हैं। ये बिगिनर कोर एक्सरसाइज है जो कि आपके कोर मसल्स को जेंटली इन्वॉल्व करके स्ट्रेंथ देती है। इनमें ट्रांसवर्स एब्डोमिन मसल्स को ट्रेन किया जाता है। फ्लोर पर बैक प्लेस करके लाई डाउन हो जाइए। अपनी नीज बेंड और फीट ग्राउंड पर फ्लैट होने चाहिए।
पैरों के नीचे टॉवल रख ले या सॉक्स पहन ले जिससे मूवमेंट इजी हो जाए। अब एक डीप ब्रीथ ले और फिर एक्सहेल करते हुए अपने एब्डोमिनल मसल को अंदर खींचे, अपने बेली बटन को स्पाइन की तरफ पुल करें। ऐसा करते हुए आपके लोअर बैक का कर्व मेंटेन रहना चाहिए। इस पोजीशन को मेंटेन करते हुए अपने पैरों को फैला लें, कुछ सेकंड्स होल्ड करते हुए स्लोली अपनी नॉर्मल पोजीशन में वापस आ जाएं। दिन में एक बार इसे दोनों साइड के लिए 10 टाइम्स परफॉर्म करें। सी सेक्शन डिलीवरी के बाद रिकवरी के लिए पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस और एब्डोमिन एक्सरसाइजेस ही सबसे ज्यादा हेल्पफुल होती हैं। इनसे कोर मसल्स की स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ मेंटेन रहती है, लेकिन इन्हें हमेशा डॉक्टर की सलाह और एक्सपर्ट गाइडेंस में ही परफॉर्म करें। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक बटन पर क्लिक करें, कमेंट करके अपने विचार जरूर बताएं। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को शेयर करना ना भूलें। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन दबा देना ताकि नेक्स्ट टाइम हमारी तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो।